अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 2, ईदगाह भाग 7। इससे पहले के इकाई में हमने पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्नों के उत्तर देखे थे, आज हम उसके बाद की प्रवृत्ति देखेंगे। देखिए प्रश्न 3, ये हमारी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न 3 है। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे हमें जो परिच्छेद यानी कि ये जो फकरा दिया गया है, हमें यह फकरा पढ़ना है, समझना है और इसके अनुसार हमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो हमें लिखने हैं। तो चलिए पहले हम ये फकरा पढ़ते हैं और साथ साथ समझते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। यानी हमारे इतिहास में, पुराणों में, पूरे पुराने ज़माने के इतिहास में परोपकार यानी अच्छाई के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि दधीची ने मानव कल्याण यानी लोगों के हित में, लोगों के कल्याणों के कल्याण के लिए और असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया, यानी अपना शरीर को क्यों त्याग कर दिया। राजा शिबी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। यानी राजा शिबी ने पंडुक के लिए क्या किया, अपने अंग यानी शरीर के कुछ हिस्सों का दान दिया। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। यानी महर्षि दयानंद ने अपने रसोइये की प्राण बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए अपना धन दिया ताकि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। वर्तमान समय में यानी अभी के समय में, इस वक्त भी सामाजिक संस्थाएं, कितनी सामाजिक संस्थाएं जो समाज के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए काम करती है, वो परोपकार के लिए अपना धन और समय दोनों हमारे भारतीय समाज को देते हैं। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आश्रय दो। निराश्रित जिसका कोई आश्रय नहीं है, वो जिसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, उन्हें आश्रय दो यानी उनकी मदद करो। दिन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो। दिन दुखियों की मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ। विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर, समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। यानी संसार में, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सब धर्म का मूल एक ही है, परोपकार। यानी परोपकार करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए आगे आना, मदद के लिए आगे आना। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। यानी कि परोपकार के बिना किसी भी संत या महात्मा ने अपने जीवन को सार्थक यानी सही नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय यानी जहाँ औषधि मिलती है, औषधि यानी दवा, गौशालाएँ और धर्मशालाएँ बनवाते हैं। सभी अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहें तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। यानी हर व्यक्ति एक समान है, हर धर्म एक समान है, सब लोग एक समान है। हमारा यह फकरा यहीं पे पूरा हुआ। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि इस फकरे के अनुसार, इस परिच्छेद के अनुसार हमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए
परिच्छेद के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस परिच्छेद के अनुसार हम जो भी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, आपको वह सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में एक बार लिखना होगा। तो चलिए अब हम परिच्छेद के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न एक, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं जो हमने फकरे की शुरुआत में ही देखे। तो चलिए अब हम उसका उत्तर देखते हैं। देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। नंबर एक, महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। नंबर दो, राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। नंबर तीन, महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर दो। प्रश्न दो, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है, जिसका उत्तर है, देखिए ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रित यानी बेघरों, जिसका कोई घर नहीं है, वो को आश्रय दो, दिन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मजदूरों भूखों को भोजन कराओ, और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। देखिए यहाँ पे वृद्धों, विद्वान और विद्या, यहाँ पे टेक्निकल खामी के कारण इसकी जोड़नी आपको शायद गलत दिख रही होगी। जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में देखकर सही जोड़नी लिखनी है, वृद्धों, विद्वान और विद्या की। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीन, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी, जिसका उत्तर है, यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहें तो देश और समाज की उन्नति होगी। प्रश्न नंबर चार, विलोम शब्द लिखिए, आश्रित और अवनति। तो अब हम इसके विलोम शब्द देखते हैं। आश्रित का विलोम शब्द है अनाश्रित, और अवनति का विलोम शब्द है उन्नति। विलोम शब्द यानी विरोधार्थी शब्द। अब हम प्रश्न पांच देखते हैं। परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए तीन प्रश्न बनाइए, यानी कि फकरे को देखकर पढ़कर हमें यहाँ तीन प्रश्न बनाने हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर एक, भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है, क्या प्रवाहित होती रही है, परोपकार की गंगा। प्रश्न नंबर दो, सभी धर्मों का मूल क्या है। और प्रश्न नंबर तीन, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं, यह हुए इसके तीन प्रश्न। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर छः। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उत्तर है उचित शीर्षक परोपकार की महिमा। परिच्छेद के अनुसार हमारे छः प्रश्नों के उत्तर यहीं पे पूर्ण होते हैं। फिर से दोहरा रही हूँ, आपको यह सभी प्रश्नों के उत्तर सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़नी का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में एक बार लिखना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधी शब्द लिखिए। देखिए सबसे पहले हमारा शब्द कौन सा है, शीतल। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, शीतल का समानार्थी और फिर उसका विरोधी। तो शीतल का समानार्थी क्या होगा, ठंडा, और विरोधी उष्ण। हमारे पास दूसरा शब्द क्या है, प्रसन्न। प्रसन्न का समानार्थी खुश और विरोधी खिन्न। इसके बाद हमारा तीसरा शब्द है गरीब। गरीब का समानार्थी दीन और विरोधी अमीर। उसके बाद
हमारे पास कौन सा शब्द है? अंधकार। अंधकार का समानार्थी शब्द क्या होगा? अंधेरा। और विरोधार्थी प्रकाश। उसके बाद शब्द है स्नेह, जिसका समानार्थी क्या होगा? प्रेम। और विरोधी द्रोणा। आखिरी शब्द पुराने, पुराने का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्राचीन। और विरोधी नई। हमारे यहाँ पे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द और विरोधार्थी शब्द दोनों पूर्ण हुए। और इसके साथ साथ हमारा पाठ्य पुस्तक का इकाई 2 ईदगाह भी यहीं पे पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको स्वाध्याय और इकाई यानी के पाठ की समझूती अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका जो भी स्वाध्याय आपको वीडियो में दिखाया गया है, वो सभी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए हिंदी की कापी में लिखना है। धन्यवाद।